हम सभी ने आकाश में बिजली को चमकते, सड़क पर सोडियम की पीली लाइट और मेरे हाथ में इस छोटे से प्लाज्मा बॉल को तो कहीं ना कहीं देखा होगा। तो कैसे करते हैं ये काम, आइए जानते हैं। तो यह है प्लाज्मा बॉल। जैसा आप देख रहे हैं, आग के जैसी कुछ लपटें मेरी उंगली की तरफ आ रही हैं। तो क्या है ये रंग बिरंगी लपटें? तो सबसे पहले समझते हैं क्या है प्लाज्मा। जैसा आप जानते हैं, हमारे आसपास की वातावरण गैसों से मिलकर बनी हुई है। सामान्यतः यह गैसें निरावेशित या बिना चार्ज की होती हैं, परंतु उच्च विभव या हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर की कंडीशन में इन्हें हम धन आयन और ऋण आयन में बांट सकते हैं। धन आयन और ऋण आयन के इसी मिश्रण को हम प्लाज्मा कहते हैं। यह चार्ज कण किसी दूसरे चार्ज या बिना चार्ज के कणों को टक्कर मारकर उनकी ऊर्जा को अधिक कर देते हैं, और यह कण अपनी इस अधिक ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें हम प्रकाश के रूप में देखते हैं। प्लाज्मा बॉल के तीन मुख्य भाग हैं। पहला, कांच का एक खोखला गोला। दूसरा, कम दबाव पर भरी विशेष गैस। और तीसरा, बीच में हाई वोल्टेज का एक इलेक्ट्रोड। अब पावर देते ही बॉल में भरी विशेष गैस प्लाज्मा बन जाती है, और उंगली लगाते ही यह चार्ज कण हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड से लो वोल्टेज की तरफ उंगलियों से होते हुए जाती हैं, जो कि हमें एक आग की लपट की तरह दिखती हैं। उंगलियों की तरफ खिंचने का कारण यह दर्शाता है कि हमारा शरीर भी कुछ सुचालक या कंडक्टर की तरह ही काम करता है। अब जैसे जैसे हम प्लाज्मा बॉल की तरफ अपनी उंगलियां लगाते हैं, आसपास के चार्ज कण अलग अलग लपटों में दिखने लगते हैं। तो प्रकृति में इन चार्ज कणों का बनना उनका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाही आकाश में बिजली के चमकने का भी कारण बन जाती है। और इसी तरह जब प्राकृतिक रूप से बने चार्ज कण पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव से उत्तरी और दक्षिणी पोलों पर रंग बिरंगे प्रकाश की अनुपम छटा बिखेरते हैं, जिन्हें हम ऑरोरा बोरियोलिस भी कहते हैं। वाह!